एक रागिनी कहने का आदेश, और रागिनी भी कर्ण कुंती के संवाद से कि जिस समय महाभारत के युद्ध को चलते चलते 15 रोज गुजर गए, 15वें दिन के युद्ध में महाबली कर्ण की सेनापति के नाम पर घोषणा कर दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का नाम सुना तो दौड़े दौड़े मां कुंती के पास पहुंचे कि बुआ क्या कंधारी की जीत है, कुंती हार का थारी वरण बन गया, उन कैरों की सेना का सेनापति कर्ण बन गया। कि अगर अपने पांचों बेटों की जीत चाहती हो तो जाकर के उस कर्ण बलि के पास से वो 5 बाण लेकर के आ जाइए जो गुरु परशुराम ने शक्ति के रूप में उन्हें दिए थे। सजनो कहने लग जाती है कि आपका हाथ मेरे बेटों के ऊपर है तो उन्हें हराने वाला कोई नहीं है। कहने लगे कि है कुछ मेरे ते बाहर नहीं, मैं करता और करता हूं, पर 5 बाण जो पास कर्ण के उनसे मैं भी डरता हूं। महारानी कुंती जाइए और कर्ण के पास से वो 5 बाण लेकर के आ जाइए। सजनों महारानी कुंती श्री कृष्ण के कहे अनुसार कर्ण के शिविर में पहुंच जाती है। जाकर के पल भर की देरी ना करी, कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हारी मां लगती हूं और तेरे पास उन 5 बाणों को मांगने के लिए आई हूं जो गुरु परशुराम ने तुझे दिए थे। सजनों कहने लगा कि तुम मेरी मां नहीं हो सकती, मेरी मां तो राधे है, लेकिन आज भी आई मां बनकर के इस समय आई जब दुर्योधन का कर्ज चुकाने का मेरे पास आखिरी मौका है। 5 बाण मांगने के लिए आई हो, उस दिन मां नहीं बन सकती थी जब भरी सभा के अंदर इस कर्ण का अपमान हो रहा था, एक बात के द्वारा क्या नसीहत माता कुंती को देने लगा वो कर्ण। किस तरह से लिखा रागिनी में, क्या लिखा कैसे, हो रे सुन के भारी चोट लगी, अरे मेरे जी के जी पे क्या बनेगी, सुन के भारी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या बनगी, अरे मतलब कारण बेटे खानी तू आज कर्ण की माँ बनगी, हो आज कर्ण की माँ बनगी। भाई सुन के भारी चोट लगी रे, सुन के भारी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या बनगी। मेरी माता वाला बता जगत में कौन सा फर्ज निभाया, छाती से तने छाती से लिया बेटे को बता रही कितना दूध पिलाया रे, कितना दूध पिलाया, कदम हुचू म्या ना प्यार करया बस एक यो लाड लड़ाया, दे के जन्म मुझे दे के जन्म मारने खातर री गंगा बीच बहाया रे, ओ गंगा बीच बहाया रे, एक सूत्र ने काढ़ मेरे पैरी, एक सूत्र ने काढ़ मेरे पैर, उस हर की नरम निगाह बने की। जीवन बेकार नहीं देखा,
जहां गया मैं जहां गया अपमान हुआ आदर सत्कार नहीं देखा आदर सत्कार नहीं देखा भाई जहां गया अपमान हुआ आदर सत्कार नहीं देखा मेरी नीचे को रही निगाह नजर था के संसार नहीं देखा था के संसार नहीं देखा अरे जिस इज्जत का मोल तोलना रे जिस इज्जत का मोल तोलना अरे वाह इज्जत बेवहा बनगी अरे मतलब कारण बेटे खाली आज करण की ए मां बनगी आज करण की मां बनगी अरे मां बन के तुड़वावन आई तू मां बन के तुड़वावन आई मेल मेरे बचपन का झूठे आंसू काढ़ बना री री पागल आज करने का रे हो पागल आज करने का तनयो जीवन अंधकार करया वन चंदा करया गगन का मर के भी एहसान मेरे पे ना उतरे दरियो धने कारे हो उतरे दरियो धने का मेरे मिलके दगा करण वालों की मिलके दगा करण वालों की अरे दरगाह में रूह जा बनगी मेरा मतलब कारण बेटे खानी आज करण की माँ बनगी हो खड़ा हो गया कहने लगा कि अगर मां बन करके भी आई है तो एक बात तो तुझे सोचनी चाहिए थी कि पांचों पांडव तेरे बेटे हैं छठा मैं भी हूं पांच बाण मांगने के लिए आई हो यानी कि कर्ण की जान मांगने के लिए आई हो वो पांचों ही प्यारे हैं ये कर्ण प्यारा नहीं है अगर कर्ण प्यारा होता तो ये पांच बाण मांगने मेरे पास नहीं आती महारानी कुंती किस तरह से कहने लगा लास्ट बात में क्या लिखा इतने दिन के बाद मेरे पैर दान मांगने आई है जिन बाणों का गर्व मुझे वोरी बाण मांगने आई है हो बाण मांगने आई है जब छह बेटे हैं तेरे पांच के क्यों प्राण मांगने आई है बाणों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है हो जान मांगने आई है मेरे लड्डन सिंह राजबल मेरी अरे हट के फिर गजा बन गई मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बन गई हो आज करण की मां बन गई हो रे सुन के भारी चोट लगी रे मेरे जी के जी मैं क्या बनगी अरे मतलब कारण बेटे खानी तू आज करण की माँ बनगी हो आज करण की माँ बनगी